हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास ग्लैमर PGM FI वाला वेरिएंट है। यहाँ पे आपको अगर दिखा दें इस जगह पे 3D लोगों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा PGM FI और गाड़ी मेरे पास रिजेक्टेड होके आई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट पूरी वायरिंग हार्नेस और इसका कंप्लीट कॉइल्स वगैरह कंप्लीट चेकआउट कर लिया गया है। अगर इस जगह पे दिखाएं तो इसका RR यूनिट भी रिप्लेसमेंट हुआ है इस जगह पे, अगर देख पा रहे होंगे। और गाड़ी में जो है पेट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में स्टार्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में जो प्रॉब्लम है करंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है। तो आपको एक एक स्टेप कैसे कैसे चेक करना है, करंट ECU तक करंट कैसे जाता है, कौन कौन सा रिले चेकआउट करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बैक एंगल सेंसर जो है इसे भी रिमूव कर दिया गया है ताकि यह पता चल सके कि कौन सा सेंसर खराब है, कहाँ से हमारे करंट गाड़ी में ब्लॉक हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि FI वाली गाड़ियाँ आपके पास आ जाती है। यहाँ पे अगर देखें तो थ्रोटल बॉडी असेंबल है, इस जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फ्यूल इंजेक्शन। अगर आप देखें तो फ्यूल इंजेक्शन का लोगो आपको देखने को मिलेगा FI। तो FI की गाड़ियों में करंट के रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आता है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कंप्लीट आपको एक एक स्टेप बताएंगे, तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्नेट साइड से लेकर HT तो कैसे करंट लाना है HT कॉइल तक कंप्लीट स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बताते चलें यह गाड़ी रिजेक्टेड गाड़ी है, कोई दो तीन मैकेनिक से दिखा चुके हैं बट रिपेयर इनका प्रॉपर हो नहीं पाया। तो बट आप कुछ बता देते हैं, अपने स्टेप्स से सभी मैकेनिक भाइयों को चेक करना चाहिए, यानी शुरू से चेकआउट करना चाहिए कि कहां से मेन प्रॉब्लम है। ये नहीं कि उन्होंने क्या किया नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं, और किन्हीं भी मैकेनिक को बुरा भला कहना एकदम गलत बात है क्योंकि सबका चेक करने का अपना अपना तरीका होता है। तो चलिए आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे कि मैग्नेट साइड से कैसे करंट निकलता है और कैसे आगे आगे सप्लाई जाता है करंट का और कैसे चेकआउट करना है। तो चलिए मैग्नेट साइड से शुरू करते हैं FI वाली गाड़ियों का करंट कैसे चेक करना है। उससे पहले आपको ये कन्फर्म करवाते हैं हमारी गाड़ी में करंट नहीं है, तो आपको यहां पे दिखाते हैं एक जरा सा इसके अंदर करंट नहीं है, करंट इसके अंदर है ही नहीं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले इसके मैग्नेट साइड के वायर चेक करेंगे, एक वाइट वायर एक ग्रीन वायर। इसमें अगर हमारा ब्लिंकिंग लाइट ये जलेगा जब हम समझ लेंगे कि हमारा मैग्नेट साइड से करंट एकदम प्रॉपर है, क्योंकि करंट चेक करने के लिए आप दो तीन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, या आपके पास मल्टीमीटर हो या फिर टेस्टिंग लैंप हो या फिर आप जो है बॉडी में टच करके करंट को चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ आप सभी को दिखाने के लिए टेस्टिंग लैंप का यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो इसे ओपन कर लिए आप, नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव किधर भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी होती है इसमें सिर्फ कनेक्टिविटी आपको चेक करना रहेगा कि क्या हमारी गाड़ी करंट सप्लाई कर रही है या नहीं। तो चलिए आपको हम सेल्फ यूज करके दिखाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना चाहिए, अगर लाइट ब्लिंक होता है जिसका चार्जिंग और लाइटिंग कॉइल कन्फर्म हो जाएगा। अगर पिकअप कॉइल आपको चेक करना हो तो आप इसके लिए मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं या इसे ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए आपको चेकआउट करने का तरीका बताते हैं, ऐसे लगाना है और आपको सेल्फ या किक का उपयोग करना है, यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगा। निकल गया है वायर, देख पा रहे हैं लाइट ब्लिंक हो रहा है, यानी हमारा जो है स्टार्टिंग का नीचे जो कॉइल होता है इसका आर्मेचर कॉइल, वो कॉइल सही है। आपके पास मल्टीमीटर हो तो आप पिकअप कॉइल भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट RR यूनिट के पास जाएंगे, फिर RR यूनिट से आगे आपको जाना है। तो RR यूनिट चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये दूसरी गाड़ी से यहाँ पर अटैच करके लगाए हैं, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से जो करंट हमारा डायरेक्ट जाता है इस रिले में जाता है, और इस रिले से जो डायरेक्ट करंट जाता है ECU में आता है। ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट और इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। तो इसका ये रेड वाला वायर में हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए जब ही गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इसमें सप्लाई चेक करते हैं, आता है तो सही, अगर नहीं आएगा तो इस वाले यूनिट को चेंज करना पड़ेगा जो ये फ्यूल पंप का रिले लगा हुआ है। तो चलिए इसमें आपको करंट चेक करके दिखाते हैं, अगर आता है तो सही, नहीं तो फिर हम दूसरा स्टेप यूज करेंगे। तो चलिए ECU को ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका ECU ओपन हो गया, जो कम्प्लीट इसी से सारे सेंसर्स वर्क करते हैं। तो इसके पॉजिटिव वायर जो है इस वाले रेड वाले वायर में ले लेना है क्योंकि इसके 12 वोल्ट का करंट इसी में आता है, और इसको बॉडी से कहीं टच करेंगे तो इस पर हमारा लाइट जलना है, इस पर करंट आएगा अभी।
तो ECU तक 12 वोल्ट की अगर सप्लाई आ जाती है तो समझिए सारा चीज़ सही, अगर नहीं आता है तब कहीं से प्रॉब्लम है। तो इसके 12 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करवाएंगे इसमें, तो देख पा रहे हैं हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई ECU तक एकदम प्रॉपर है, यानी यहाँ तक हमारा लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब हमारा ये कन्फर्म हो गया कि हमारा बैक एंगल सेंसर भी सही है और यह रिले सही है। अगर यह रिले ख़राब होता तो यहाँ तक करंट कभी नहीं आता। अब इसके ECU को यहाँ पे लगाते हैं, फिर इसके जो है राइट साइड इसके HT कॉइल को चेकआउट करते हैं। तो ECU से प्रॉब्लम नहीं है, ECU को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये लग गया। अब इसके HT कॉइल को चेकआउट करते हैं कि HT कॉइल तक करंट जा रहा है या नहीं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं HT कॉइल में डबल वायर होता है, एक जो बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और दूसरा हमारा ECU से कनेक्ट होता है। जब ये करंट का किस तरह से सप्लाई होता है यही डिटेक्ट करता है ECU का। तो इस वाले वायर में हम करंट चेक करेंगे कि क्या 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आप अगर अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर का यूज़ करें, परफेक्ट पता चलेगा। तो इससे आपको करंट चेक करवाते हैं अभी। तो देख पा रहे हैं HT कॉइल का जो वायर है इसके अंदर से भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यानी HT कॉइल तक हमारा जो बैटरी का सप्लाई एकदम प्रॉपर है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि प्रॉब्लम किस चीज़ से है। तो या तो इसके दो चीज़ ख़राब होंगे, या इसका HT कॉइल ख़राब होगा या फिर इसका पिकअप कॉइल ख़राब होगा जो ज़्यादा सप्लाई नहीं दे रहा है। तो FI की गाड़ियों में ज़्यादातर जो होता है HT कॉइल जल्द ख़राब होता नहीं है। तो HT कॉइल को चेकआउट करने से पहले इसका पिकअप कॉइल हम चेकआउट करेंगे कि क्या इसका पिकअप कॉइल सही है या ख़राब। अगर यह सही होगा उसके बाद इसके HT कॉइल को रिप्लेसमेंट करेंगे, अभी भी कन्फ्यूजन है। तो ज़्यादातर HT कॉइल से पहले पिकअप कॉइल ख़राब होता है। तो चलिए पिकअप कॉइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या इससे प्रॉब्लम है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ से अगर चार्जिंग और इसके जो है लाइटिंग का करंट देखा जाए तो इससे चार्जिंग और लाइटिंग का करंट निकल रहा है, बट स्टार्टिंग के लिए जो होता है पिकअप कॉइल उससे करंट नहीं निकल रहा है। तो चलिए इसके पिकअप कॉइल को खोल के चेकआउट करते हैं कि वो ख़राब है या नहीं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो इसे बिना ओपन किए भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाक से इसके मैग्नेट कवर को खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है और क्यों हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई हार मान जाते हैं FI की गाड़ियों में। यही स्टेप यूज कीजिए, प्रॉब्लम का हमेशा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके गियर्स के बोल्ट वगैरह कंप्लीट ओपन कर लेते हैं और आपको चेकआउट करके दिखाते हैं कि क्या इसके पिकअप कॉइल अगर सही होगा तो HT कॉइल ख़राब है, HT कॉइल सही होगा तो पिकअप कॉइल ख़राब है, दो में से एक चीज़ ख़राब होगा ही। तो इसके सारे बोल्ट को रिमूव कर चुके हैं, अब इसके जो मैग्नेट कवर होता है इसको बाहर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं प्रूफ वायर यहाँ से कटा हुआ है पिकअप कॉइल का, और ये जब ही कटता है जब इसके अंदर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा आ जाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर रस्ट पड़ा हुआ है इस जगह पे। तो ये वायर यहाँ से कटा हुआ है, नॉर्मल सिर्फ इसकी वायर की सोल्डिंग करवाते हैं, फिर आपको करंट चेकआउट करके दिखाएंगे कि इसके सोल्डिंग करने के बाद भी करंट आता है या कहीं से कुछ और इशू है। तो चलिए फटाक से इसे सोल्ड करवा के लाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं करंट चेकआउट करके। और बाकी ये सारा कॉइल एकदम प्रॉपर है, इससे भी हम करंट चेकआउट करके दिखाए थे। एक ये हमारा ग्रीन वाला वायर होता है और एक यहाँ पे व्हाइट वाला वायर होता है, जिसमें करंट सही आ रहा था क्योंकि ये हमारा कॉइल सही है। पिकअप कॉइल सिर्फ मल्टीमीटर से चेकआउट होता है। तो ये यहाँ से कटा हुआ वायर देख पा रहे हैं, तो चलिए इसको सोल्डिंग करवा के लाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं कम्प्लीटली इसे क्लीन कर चुके हैं और इसके जो यहाँ पे एक जरा सा डॉट यानी इसको सोल्डिंग करवा के ले आए हैं और इसी को हम यूज करें। तो इस पर पैकिंग, इधर जो हमारा ऑयल का लीकेज प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पैकिंग का इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसे यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसे हम एनाबॉन्ड या रेजीबॉन्ड कुछ उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि नया। तो इसके रबर वाले साइड में यहाँ पे सिर्फ हम रेजीबॉन्ड का उपयोग करेंगे ताकि ऑयल का एक जरा सा भी लीकेज ना हो। तो इसके इस सरफेस में हम रेजीबॉन्ड का उपयोग करके इसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर देंगे, कुछ इस टाइप से ये यहाँ पे लगा देंगे ताकि ऑयल का लीकेज ना हो। तो चलिए इसे असेंबल कर देते हैं। तो ये असेंबल हो गया, सिर्फ दो बोल्ट टाइट करते हैं फिर डायरेक्ट करंट पहले चेकआउट कर लेते हैं। वैसे तो कंफर्म है कि पिकअप कॉइल से इशू था, बट दो बोल्ट टाइट करके इसके करंट को चेक करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं कंप्लीट सारे चीज़ों को असेंबल कर दिए, अब लास्ट स्टेप जो हमारा करंट चेकआउट करना पड़ेगा क्या करंट दे रही गाड़ी या नहीं। तो यहाँ पे करंट चेकआउट करेंगे अब हम। तो देख पा रहे हैं कितने स्पार्किंग अच्छी से हो रही, यानी करंट एकदम प्रॉपर है। अब चलिए फ्यूल टैंक वगैरह असेंबल करते हैं, गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड देख पा रहे हैं सारे चीज़ों को असेंबल कर चुके हैं। अब गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। इग्निशन इसका ऑन है, करंट तो आपने चेक कर ही लिया है, तो देख पा रहे हैं गाड़ी काफ़ी इजीली स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS4 BS6 FI और कार्बोरेटर रिलेटेड, इंजन फिटिंग रिलेटेड, वायरिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।